स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अक्सर का नेटवर्क। फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट है कार्पल अक्षय को लेकर। देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम, 31 जुलाई को परीक्षाएं हुई हैं और उसको लेकर सभी कार्यपालक सहायकों के द्वारा जो क्या है प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। कार्यपालक सहायकों ने जताई नाराजगी और सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा लेने के बाद कार्यपालक सहायकों में नाराजगी है। सरकारी कार्यालय में प्रतिनिधि कार्यपालक सहायक असमंजन की स्थिति में है। कार्यपालक सहायकों ने डीएम के आवेदन देकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बताया गया कि बिहार प्रशासनिक मिरर्स मिशन सोसाइटी बीपीएसएम पटना के अनुसार कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति के विज्ञापन निकला थी और चयनित कार्यपालक सहायक दक्षता परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया गया था और रोस्टर के अनुसार फरवरी 2019 में 163 से अधिक मेगा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया। उसके बाद जुलाई 2019 में बाकी मेगा सूची में बचे व्यक्तियों का चयन किया गया। कार्यपालक सहायकों ने बताया कि पहले दौर में 164 से अधिक कार्यपालक सहायकों के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं लागू किया गया, जबकि उसी विज्ञापन में शेष बसे कार्यपालक सहायकों का दस्ता परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। यह कहां तक उचित है, इसके लिए गुहार लगाई। आपको बता दें कि जितने भी कार्यपालक सहायक हैं उनकी नियुक्ति अलग अलग तरीकों से कर दी गई है। जैसा कि पूर्व में जो नियुक्तियां हुई उस पर कोई नियम नहीं लगाया गया और उसी पैनल के जो शेष 2019 में जो बहालियां हुई उस पर दस्ता परीक्षा लगा दिया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद हाल ही में 31 जुलाई को आपने देखा परीक्षाएं भी ली गई बेल्ट्रान के द्वारा और उसमें अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यदि फेल करते हैं अभ्यर्थी तो उनकी नौकरी चली जाएगी, पास करते हैं तो अभ्यर्थी की नौकरी रहेगी। ऐसी बातें का उल्लेख करके इनकी ज्वाइनिंग 2019 में की गई थी और उसका जो है आखिरकार परीक्षाएं ले ली ही गई। उसमें से कुछ परीक्षाएं अभ्यर्थी ने दिया और कुछ जो है अभ्यर्थी वंचित रह गए, फॉर्म को नहीं फिल करें, अपनी आवाज़ को उठाए रहे। अब देखना ये है सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, क्या इन लोग के साथ रवैया अपनाती है। अभी तक यही अपडेट है। इसके साथ ही नई अपडेट ये आई है कि अप्रॉक्स 8080 अब बने हैं जो पंचायत नए जो पंचायत जितने भी हैं ओवरऑल, उसमें से 5000 में जो है नियुक्तियां हो गई है और रिमेनिंग जो 3000 कुछ जो वैकेंट सीटें हैं उसको भी फिलअप करने की कोशिश की जा रही है बेल्टान के द्वारा। सरकार के द्वारा समक्ष यह सशर्त दी गई है कि 15 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 15 अगस्त तक सभी पंचायतों में हर हाल में सभी सुविधाएं चालू रखें, जाति आय निवास करेक्टर जितने भी सुविधाएं हैं मिनिमम कम से कम 2.5 घंटे जो है पंचायत में आरटीपीसी की जो है सुविधाएं चालू की जाए। आला अधिकारियों को सूचित किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, सभी जिला अधिकारियों को कि जहां पर सुविधाएं चालू नहीं है वो हर हाल में 15 अगस्त तक चालू करें। इस प्रक्रिया को लेकर अब जितने भी पंचायत हैं उसमें जो कार्यपालक सहायक लेने की बात की गई थी वह हटाकर बेल्ट्रान से ली जा रही है और बेल्ट्रान इन प्रक्रियाओं में तेज़ी ला रहा है। तो जितने भी बेल्ट्रान के जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिसमें 7311 में अप्रॉक्स 4000 बहालियां हो गई, तो 3000 कुछ जो कैंडिडेट हैं उनकी बहाली प्रक्रिया इसमें चल रही है। इसके साथ ही नई बहालियां भी हो रही हैं, उसका जो है 545 जो प्रखंड है 534 प्रखंड में उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही जो
थाने हैं सीसीटीएनएस के तहत की जा रहे हैं, उसमें भी प्रक्रिया चल रही है और नए जितने भी रिक्वायरमेंट विभिन्न जिलों में हैं वह बेल्टान अधियाचना की जा रही है। तो बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उनकी भी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जा रही है और हो रही है उनकी प्रक्रियाएँ। और नए अब विभिन्न जिलों के जो पैनल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यही सूचना है कि अभी उनके लिए नई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उनका भी इसी तरह कंप्यूटर एग्ज़ाम हो सकता है और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। कंप्यूटर 60 मार्क्स का, हिंदी 25 से 30 और इंग्लिश 30 से 35 प्रति मिनट। और हिंदी के लिए रेमिंगटन के लेआउट मंगल फोन और इंग्लिश रोमन आप जानते ही हैं। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी इन फ्यूचर में, लेकिन अभी नए में कोई अपडेट नहीं है। और इसके साथ ही फ्रेशर कैंडिडेट की बात करें तो ओवरऑल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इन फ्यूचर यही चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यही सूचनाएँ आ सकती हैं इन फ्यूचर। और उसी में कहीं विभिन्न जिलों के जो पैनल हैं उसी को भी एडजस्ट करने की बात कही जा सकती है, मतलब परीक्षाएं लेकर टाइपिंग वगैरह। और जो पैनल हैं 3311 जो अप्रॉक्स 7311 उसी के नीचे क्रमांक में इन लोगों को समाहित किया जाएगा, ऐसा यह पूर्व का नियम है और चलते आ रहा है, हर बार इसी तरह होता है। तो इसका अभी कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर चाहे जब भी हो 25, 30, 40, 50 जितना भी हो इसका कोई समय नहीं है कि कब होगा, क्योंकि अभी जो 7311 है वहीं बहालियाँ रुकी हुई हैं। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, 2040, 50 कब होगा, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अभी जो भी बहालियाँ होगी ऑपरेटर के उसी के थ्रू होगी। कंप्यूटर 60 मार्क्स और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और संविदा पर बहालियाँ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, इसी तरह आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो बेल्टान के माध्यम से इसी तरह होती रहेंगे। ये सारे इन दिनों अपडेट बने हुए हैं। 67वीं का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है और ग्रुप डी की भी वैकेंसी अप्रॉक्स 30,000 आने वाली है बिहार में, ऐसी अपडेट है। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ऑडिटिंग का है, बिहार एसआई का है, ये सारे हैं। तो अभी कोई अपडेट नहीं है, जो अपडेट आएगा अपडेट दी जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।